हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल है यार। तो आज हम दोबारा से GTA 5 खेलने वाले हैं। तो लास्ट टाइम तुम लोगों को याद होगा कि हमें शाणा भाई की गैंग से निकाल दिया गया था, क्योंकि हम शाणा भाई की बहन को लेके भाग गए थे। और उसके बाद हमारे पास अपना घर भी नहीं बचा था, तो इसलिए हमें दूसरों की गाड़ी बेचकर अपना पेट भरना पड़ा। सैड लाइफ। लेकिन एंड टाइम पर हमें बल्लू भाई मिल गए, जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया हमारी तरफ और हमें अपनी गैंग में शामिल कर लिया। तो आज हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने हमें अपना एक पहला ऑर्डर दिया है, जिसे मुझे कंप्लीट करना होगा, जिससे कि मैं उनकी टीम में हायर अप बन सकता हूँ, मतलब मेरी रैंक बढ़ जाए और ताकि मैं पावरफुल हो जाऊँ और उसके बाद शाण भाई से अपना बदला ले सकूँ। तो अभी हमें बल्लू भाई के बेस पर जाना है, लेकिन उससे पहले बल्लू भाई ने हमारे बैंक में कुछ पैसे डाले हैं, जिससे कि हम अपने कपड़े खरीद सकें, थोड़े अच्छा दिख सकें, क्योंकि वहां पर दो बंदे होने वाले हैं, उनके राइट हैंड मैन और उनका लेफ्ट हैंड मैन, जो कि बहुत तगड़े बंदे हैं। तो उनके सामने थोड़ा सा सज के जाना पड़ेगा ताकि अपना इंप्रेशन जप सके। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, जिसके ऊपर कल बहुत ज्यादा बहस चली थी। ऑलराइट, एनीवे, सबसे पहले हम एक कपड़े की दुकान पर चलते हैं और वहां पर जाके एक अच्छा सा सूट अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, ताकि हम अपना मुंह दिखा सके वहां पर जाकर। ऑलराइट गाइस, हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और ये रही हमारी दुकान। पीछे अब मुझे बस एक अच्छा सा सूट ढूंढना है, जिससे कि बाकी लोग भी इंप्रेस हो जाए और हम पे थोड़ा सूट भी करे। ऑलराइट, दुकान तो बड़ी अच्छी बना रखी है भाई तूने। क्या क्या रख रखा है? वो रे सूट्स, यहां से कुछ चूज कर लेते, तीनों ही तगड़े लग रहे हैं यार। लेकिन ये तो माइकल वाला सूट है, ये ले लू क्या? नहीं यार, कोई अच्छा सा सूट लेते हैं जो कि हम पे सूट करे। ऑलराइट गाइस, कैसा लग रहा हूँ कमेंट में जरूर बताना। साथ मैंने एक दो सूट और खरीद दिए, लेकिन वो बाद में इस्तेमाल करेंगे, आज तो यही पहन लेते हैं। और तुम्हें मैं अपनी ड्रिप दिखाता हूँ अच्छी तरह से। ये देखो भाई, जूते देख रहे हो, महंगे लेदर वाले हैं यार, पता नहीं क्रोकोडाइल लेदर था शायद ये वाला। ओके चलो, अब हम चलने के लिए रेडी हैं। और बॉस ने यहाँ पर कुछ हमें भेजा था, अपनी लोकेशन, वो हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा था ऊपर की तरफ मेरा एक कसिनो है, ये देखो, ये रहा वो कसिनो, यहाँ पर हमें जाना है। और उसके बाद यहाँ से कुछ हमें पिकअप करना है, जो कि हमें डिलीवर करना है एयरपोर्ट की तरफ। अब पता नहीं वो क्या होने वाला है, क्या पता कुछ बढ़िया माल हो, क्या पता कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक माल हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरा हो, लेकिन हमारा पहला काम है, उसे अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलते हैं फटाफट। ऑल राइट गाइज, कसिनो तो पहुँच चुके हैं। और ये देखो भाई, लोकेशन देखो कितनी तगड़ी है, बिल्कुल पहाड़ों में बना रखा है भाई कसिनो। और कितना बड़ा कसिनो है भाई, ये देखो भाई, यहाँ पर सुपर कार्स भी खड़ी हुई हैं ऐसे ही। लेकिन पता नहीं मैं क्यों भूल जा रहा हूँ कि हमारी जो कार है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगी है। ये जितनी भी कार है, इन सबको मिला के बेच भी दो ना, तब भी एक कार नहीं आ पाएगी शायद। बहुत ज़्यादा बढ़िया कार है यार, तुम मानोगे। चलो छोड़ो, अभी पहुँच तो गए हैं, यहाँ पर बल्लू भाई को देखते हैं। यहाँ पर कोई हमें बल्लू भाई दिख तो नहीं रहे हैं। एंट्री की तरफ चलते हैं, वहाँ पर चल के देखते हैं, क्या पता वहीं खड़े हों। हेलो, हाँ बल्लू भाई, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर हमें बल्लू भाई का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि हमें पीछे की तरफ आगे मिलो, वहाँ पर एक टेंट लगा रखा, टेंट नहीं मतलब छोटा सा एक बगीचा सा है। ये तो बंद पड़ा है, कैसे जाऊँ? ऐसे ही चला जाता हूँ भाई, कौन देख रहा है। ऑल राइट गाइज, फाइनली हम पहुँच चुके हैं और वो रहे बल्लू भाई बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी नहीं लग रही है, यहाँ पर सारी सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं यार? यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इतने बड़े माफिया बॉस है यार। ओ भाई साहब, बंदूक देख रहे हो तुम? इसीलिए तो सिक्योरिटी नहीं है भैये, इसीलिए तो नहीं है भाई साहब। भाई भाई सुनो यार, थोड़ी देर के लिए दे दो ना ये है? दे दो। तो ये है भाई फ्रांकी, बल्लू भाई के राइट हैंड मैन, जिन्हें टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा प्यार है। और ये देखो भाई, जाने पहचाने लग रहा है, ये है अंडर वाटर माफिया, जो कि अब बल्लू भाई का लेफ्ट हैंड मैन है। तो भाई दोनों ही तगड़े बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी तो क्या ही जरूरत होगी, इसलिए इन्होंने सिक्योरिटी यहाँ पर बुलाई नहीं है। और ये गंजा क्या कर रहा है भाई, नंगा पुंगा सा, इसने क्या गलती कर दी भाई, बिल्कुल खत्म है ये तो। बल्लू भाई इसको करके क्या करोगे है? ये तो पहली खत्म है यार, इसे माफ कर दो है बल्लू भाई। ऑल राइट गाइज, सबसे पहले यहाँ पर काम की बात कर लेते हैं, फिर मजाक कर लेंगे। ऑल राइट गाइज, तो देखो सीन ये है कि हमें उल्टी सीधी चीजें नहीं, पूरा का पूरा गोल्ड स्मगल करना है, जो कि दूसरे सिटी जाएगा, और वो भी इन दोनों ट्रकों के अंदर भर भर के। और इसके अंदर अभी गोल्ड है, लेकिन इन्होंने मुझे बोला है कि तुम इसे खोल नहीं सकते, तो हमने बोल दिया ठीक है यार, इतना ट्रस्ट तो बनता है, कोई बात नहीं, हम नहीं खोलेंगे।
और मजेदार बात यह है कि हमें इसे चलाना भी नहीं होगा, ये हमें एक ड्राइवर प्रोवाइड कर देंगे जो कि इन्हें चलाएंगे, और हमें बस अपनी गाड़ी में बैठकर इनको एक तरह से गाइड करना है एयरपोर्ट तक। पर एयरपोर्ट पर जाने के बाद हमें एक कार्गो प्लेन वहां पर दिख जाएगा जिसके अंदर हमें इन दोनों को लोड कर देना है, और बस भाई हो गया काम, तनख्वाह एक दिन की जेब में। ओके चलो अब इन दोनों को सबसे पहले लेके चलते हैं एंट्रेंस की तरफ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइज प्लान में कुछ चेंज है, तो बल्लू भाई ने कहा है कि तुम शायद इन सबको एक साथ प्रोटेक्ट ना कर पाओ, तो ये चार गाड़ियां मेरे साथ और जा रही हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और बल्लू भाई ने ये भी कहा है कि इन दो ट्रकों के साथ ये चार गाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी कार्गो हमें करना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, इतना सारा गोल्ड स्मगल कर रहे हैं, दो चार गाड़ियां भी स्मगल कर देंगे, है नहीं? ऑलराइट चलो, वैसे बहुत देर हो चुकी है, अब जल्दी से निकलते हैं यहां से और देखते हैं पीछे आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे। आ तो रहे हैं, ट्रक भी आ गए। चलो गाइज बस हमें इनको रास्ता दिखाना है और बस इनको जल्दी से कार्गो कर हमें वापस आ जाना है, हमारा काम हो जाएगा, पूरे दिन की सैलरी जेब में आ जाएगी। ओए नहीं नहीं नहीं, ये क्या सीन है बे, ये क्यों खड़े हुए भाई यहाँ पर, और ये क्या कर रहा है भाई अपने हाथों से, किसको इशारे कर रहा है? Nope. ओ भाई साहब हम पे एम कर रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है। तो गाइस दिक्कत हो गई है, मुझे लग रहा है इन्हें हमारी लोकेशन के बारे में किसी ने बता दिया है और ये हमसे सारा स्मगल गोल्ड जितना भी है ये सब छीनना चाहते हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं देने वाला हूँ। भाई लोग तुम निकलो यहाँ से, मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम तेजी में यहाँ से निकलो, बस मेरी टेंशन मत लेना, मैं पहुंच जाऊंगा कैसी कर, इन्हें तो मैं देखता हूँ। निकलो भाई, क्या इंतजार कर रहे हो, जाओ ना भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जाने को राजी नहीं है, बताओ इनको तो मैं देखता हूँ यार, ये ले आया मजा, पंगा ले रहे हैं मेरे से खामा खा, कांगे बाकी, ये रहा तू भी ले भाई, ये ले आवाज जाना बता रहा हूँ, बच गया भाई, अब बाकी कहाँ हैं, और कोई भी तो हो यार, अबे फिर बच गया भाई ये, चलो खत्म हो गया, आया मजा, यहाँ पे भी आ गए क्या भाई, चारों तरफ से हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर आ रहे हैं भाई, जाना पड़ेगा मुझे तो लग रहा है, ये ले तू भी ले भाई, यार आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई, ये ले भाई तू भी ले, लो भाई मिसाइल ही खत्म हो गई मेरी, तो बंदूकों से काम चलाना पड़ेगा अब तो, मुझे लग रहा है अब तो टाइम आ गया यार भगने का, हेलीकॉप्टर का भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार मैं तो, क्या करूँ, चला ही जाता हूँ यार फालतू में, यहाँ पर मैं मरमुरा जाऊँगा और पहुँच भी नहीं पाऊँगा, तेजी में बैठते हैं और चलते हैं, हट जाओ भाई हट जाओ यहाँ से, सामने से तेजी में निकलूँगा, दिखूँगा भी नहीं तुम्हें मैं। ऑल राइट गाइज, मैं यहाँ से बच के निकल तो गया हूँ और मुझे लग रहा है कि इन्हें ये नहीं पता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो मैं यहाँ से चुपचाप कल्टी हो सकता हूँ और इन्हें पता भी नहीं चलेगा मैं कब एयरपोर्ट पहुँच गया, हाँ यही सही रहेगा। ओके फाइनली पहुँच तो गए, मुझे लगता है मेरा शक सही था, उन्हें पता नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। भाई दरवाज़ा खोल दो यार, हमारी डिलीवरी है, एक स्मगल करना है यार गोल्ड इतना सारा, मुझे लगता कोई है ही नहीं यहाँ पर यार। ऑल राइट चलो अब अंदर पहुँचते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर चारों की चारों गाड़ियाँ और दोनों के दोनों ट्रक यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके होंगे, तो मुझे बस यहाँ पर वो खड़ा हुआ कार्गो प्लेन ढूंढना है और उसके अंदर बस वो गाड़ियाँ चढ़ा देनी है और दैट्स इट, यही है हमारा भाई प्लान, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, पूरी पूरी पुलिस की फोर्स पीछे पड़ी हुई थी यार रस्ते में। ओ तेरी, ये क्या हो गया भाई, अबे बम लगा रखा था क्या इसमें किसी ने, ओह नो 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 नो, डोंट टेल मी वहाँ से गोल्ड गायब हो चुका है। तो गाइज एक खुशखबरी है, पहली बात तो ये फट चुका है तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, और दूसरी बात हमारे सारे बंदे यहाँ पर अच्छी तरह से सही सलामत खड़े हुए हैं और हमारा सारा का सारा गोल्ड भी इसके अंदर ही अभी भी सही सलामत है, मैंने अभी खोल के देखा नहीं है लेकिन हाँ सही सलामत है। अब सबसे पहले मैं ये सारी सिचुएशन ना बल्लू भाई को बता देता हूँ, वो यहाँ पर अपना बैकअप भेज देंगे और शायद दूसरा कार्गो प्लेन भी भेज देंगे जिसके अंदर ये सारा का सारा गोल्ड में स्मगल कर सकूँ। ऑल राइट गाइज मैंने ये सारी चीज़ बल्लू भाई को बता तो दी है, लेकिन मुझे एक उन्होंने बहुत अजीब बात कही कि भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही उन दो ट्रकों को मुझे कुर्बान करना पड़ जाए, लेकिन उन गाड़ियों को कुछ नहीं होना चाहिए और उन गाड़ियों को कैसी करके बस कार्गो कर देना है, कार्गो प्लेन आने वाला है दूसरा, तब तक हम यहाँ पर इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई हमला ना हो। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि बल्लू भाई को इन गाड़ियों में क्या दिख रहा है ऐसा जो कि मुझे नहीं दिख रहा, लग तो नॉर्मल गाड़ी रही है यार।
तो गाइस जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत बुरी सिचुएशन हो चुकी है। आई डोंट नो हाउ इन्हें हमारी लोकेशन का पता चल गया है, किसी ने शायद इन्हें बताया होगा, लेकिन वो बंदा कौन है ये नहीं जानता मैं, और मुझे नहीं लगता मैं इन्हें कितनी देर तक और रोक पाऊंगा। मुझे उस बंदे को पकड़ना पड़ेगा वरना ये तो मेरे को खा जाएंगे भाई, इतनी देर में ये मार देंगे मेरे को यहाँ पर। वो बंदा यहीं कहीं आसपास होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरे बंदे हैं खुद के, ये भी नहीं हो सकता, ये तो एयरपोर्ट का ही बंदा है यार। यहाँ पर पुलिस वाले ही सारे भरे पड़े हैं, उस बंदे को ढूंढना मुश्किल हो सकता है यार। तो गाइस ये देखो ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ था बहुत देर से, मैंने इसे नोटिस नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है यही वो कल्प्रेट है, इसे पकड़ना पड़ेगा। ये बहुत तेजी में भगा रहा है यार, इसके टायर कैसी करके मैं पंचर कर दूँ, ये एक जगह एक्सीडेंट हो जाए, मैं इसे पकड़ लूँगा यार, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गया ना बल्लू भाई को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी आगे चलकर। इस बंदे को पकड़ना ज़रूरी है कि ये किसके लिए काम कर रहा है, कौन है ये बंदा। ऑल राइट गाइस, फाइनली इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, अब ये बस कैसी करके भगना नहीं चाहिए, इसे कैसी करके मैं पकड़ लूँ। ये खड़ा हो गया यहाँ पर, मुझे लगता सरेंडर कर दिया इसने। ऑल राइट गाइस, तो देखो ये है वो बंदा, आई डोंट नो ये बंदा या बंदर है, लेकिन है बंदा ही है, और यही है हमारे पीछे जो चुगली कर रहा है पुलिस से, और बार बार पुलिस हमारे पीछे आ रही है। पुलिस वाले तो जा चुके हैं क्योंकि इसे मैंने पकड़ लिया, इसने उन्हें मना कर दिया कि इसको हार्म मत करो वरना मुझे मार देगा, और ये मुझे बहुत देर से बता नहीं रहा है कि किसके लिए काम कर रहा है, बस बोल रहा है कि मुझे ले चलो। शायद बल्लू भाई के पास जाने की बात कर रहा है, उनसे कुछ बात करेगा तो वहीं पर ले जाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जितना भी जो मेरे को काम दे रखा है बल्लू भाई ने वो कंप्लीट कर देता हूँ। ऑल राइट गाइज, फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो चुका ऑलमोस्ट, बस इन्हें कैसी करके इसके अंदर चढ़ा दूँ मैं कार्गो के अंदर। और एक और चीज़ बतानी है, तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि यहाँ पर तो वो ट्रक है ही नहीं सोने वाले, वो का है वो मैं दिखाता हूँ। वो डैमेज हो गए थे अभी, फाइट जो हुई थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे, और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। अब तुम सोच रहे हो ये तो खाली पड़े, बिल्कुल बंजर पड़ा है, इसके अंदर सोना कहाँ गया? तो भाई शुरुआत से इसके अंदर सोना नहीं था, हमारा पहले से ही कट रहा था। जो सोना था वो सोने की गाड़ियाँ थी भाई, बिल्कुल प्लेयर्स वाला सीन कर दिया इन्होंने। एनीवे यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ अब चढ़ चुकी हैं, लेकिन भाई अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये चार गाड़ियाँ फुल टू फुल सोने की हैं भाई। अगर थोड़ा सा ही इधर उधर पता होता ना तो लोग इसके पीछे भागते, वो ट्रकों को पकड़ते ही नहीं भाई, पुलिस वाले इन गाड़ियों को उठा के ले जाते वो तो आराम से, लेकिन बल्लू भाई ने दिमाग बहुत लगाया, गाड़ियों को ही सोने के बना दिया और ट्रक खाली भेज दिए ताकि डिकॉय बना सके उन्हें। ओके चलो, अब ये तो हो चुका है हमारा काम, अब बस ये यहाँ से फ्लाई हो जाएगा जैसे इसकी टाइम होगी, और हम यहाँ से चलते हैं तेज़ी में, वरना यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम यहाँ ज़्यादा देर और रुके तो। ऑल राइट गाइज, वो फाइनली जा चुका है कार्गो प्लेन, और अब हम चलते हैं घर की तरफ, सॉरी घर की तरफ नहीं, उस बंदर को लेके हमें बल्लू भाई की तरफ जाना है और चेक करना है कि वो बंदर आके चाहता क्या है। ऑल राइट गाइज, फाइनली देख सकते हो ये कैसे हाथ खड़े करके बल्लू भाई के सामने बैठा हुआ है, और बल्लू भाई से सवाल कर रहे हैं कि ये किसके लिए काम करता है, तो बस एक ही जवाब दे रहा है कि मैं तेरे पुराने दोस्त के लिए काम करता हूँ। अब उसका नाम ये बता नहीं रहा है, तो मैं इसको सिखाना चाहता हूँ कि भाई नाम बता दे वरना तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। बता रहा है नहीं बता रहा, सिगरेट भी पी रहा है भाई, शर्म नहीं आ रही बल्लू भाई के सामने बैठा हुआ है। बल्लू भाई बताओ, निपटा दूँ क्या इसे? बताओ बल्लू भाई, अगर बल्लू भाई ने बोला तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, बता रहा हूँ मैं। तो गाइस देखो अब बहुत देर हो चुकी है, ये कुछ जवाब नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है। बल्लू भाई मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इसकी खोपड़ी खोलने वाला हूँ। आई एम सॉरी बल्लू भाई,